नमस्कार दोस्तों, शिवरंजनी हारमोनियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत पुराना हारमोनियम लेके आए हैं और ये हारमोनियम हमारे पास बेचने के लिए उपलब्ध है। आप में से कोई इसको खरीदना चाहता है तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर ये हारमोनियम उपलब्ध रहेगा तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और बिक गया होगा तो ये टाइटल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि आपके और हमारे दोनों की परेशानी ना होए। तो और ये जो हारमोनियम है, इसका वीडियो में हम सब कुछ छोटी मोटी जानकारी बता देंगे, लेकिन इसके अलावा आपको अगर कुछ फोटो वगैरह चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे आप इसका एक लिंक या स्क्रीनशॉट भेज के हमसे यह हारमोनियम की जानकारी ले सकते हैं, तो हम थोड़ा सा हारमोनियम का जानकारी बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हारमोनियम है ये जीवन लाल देवराज हारमोनियम मेकर स्टेशन रोड भावनगर का बना हुआ है और ये बहुत पुराना हारमोनियम का कंपनी है। इसका हारमोनियम का ये कंपनी की स्टार्ट 1918 में हुई थी और आज भी ये भावनगर में कंपनी उपलब्ध है। और ये जो हारमोनियम बनाया था, ये इनका ये 1960 से पहले का है, यानी कि लगभग ये 1940-50 का है और इसको 70-80 साल कंप्लीट हुए है। जिनसे हमने खरीदा उन्होंने ये कंफर्म इसका जानकारी दिया है और हमने उनसे जानकारी ली है तो उन्होंने इसके बताया, तो ये 80 साल पुराना हारमोनियम है और ये 3 लाइन का हारमोनियम है, सागवान का बना हुआ है आप देखेंगे। और इसका कीबोर्ड ये एंटिक है और इसमें जो कॉम्बिनेशन है बास में फीमेल है। और खुशी की बात यह है कि इसमें जो रीड है ये वालुकड़ के रीड है। वालुकड़ के रीड तो आप जानते ही हैं, आज के दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। तो ये 3 लाइन के वालुकड़ के बास मेल फीमेल के रीड है। तो हम आपको किसी को रीड खरीदना है, अभी देखिए कुछ लगभग मेरे हिसाब से 1 साल पहले हमने ये वालुकड़ के रीड का एक वीडियो अपलोड किया था, उसको 40,000 लोगों ने देखा है और उनमें से कई सारे लोगों के हमें कॉल मैसेज आए कि हमें वालुकड़ का रीड चाहिए। तो उस समय तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी ये उपलब्ध है तो आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 44 रीड की 3 लाइन के हारमोनियम है, इसके हर लाइन में 44 रीड है और ये नैरो टंग में है, हार्प में है। कोई इसको हार्प कहते हैं, नैरो टंग कहते हैं। एक तो होता है ब्रॉड टंग और एक होता है नैरो टंग। तो ये नैरो टंग है, इसका ब्लेड जो रहता है बहुत पतला रहता है और ये चेंजर में, स्केल चेंजर में बहुत अच्छा, वैसे नॉर्मल में भी बोलता है लेकिन स्केल चेंजर में बहुत अच्छा बोलता है। डी एस राम सिंह के जो स्केल चेंजर है, कई सारे स्केल चेंजर में वालुकड़ का रीड होता था और हमने भी इसको रिपेयर किया है स्केल चेंजर को, तो ये बहुत अच्छा बोलता है। और आप में से कई लोगों को ये बात पता भी है। तो ये जो लाइन दिख रही है ये फीमेल की लाइन है, उसके बाद ये जो लाइन है ये 2 नंबर का, ये मेल का लाइन है और ये बास का लाइन है। तीनों के तीनों लाइन हार्प के हैं, नैरो टंग के हैं। तो हम उसका थोड़ा सा सबसे पहले एकदम आराम से वीडियो दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें लालजी भगवान दास मिस्त्री इस टाइप से लिखा है और नीचे के बाजू से वालुकड़, ये फीमेल का लाइन है। तो आप देखेंगे तो ये दुनिया के बेहतर रीड माने जाते हैं और इसकी कंडीशन भी ऐसी है तो मुश्किल से ही इस टाइप के रीड आते हैं। तो कोई अगर, कई सारे लोग बोलते हैं कि डीएस राम सिंह का स्केल चेंजर चाहिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये रीड का स्केल चेंजर बनाएंगे तो डीएस राम सिंह से कम नहीं बोलेगा। हाँ, इसमें यह है कि उसका मैकेनिज्म भी सही तरीके से होना चाहिए, इसकी बनावट भी अच्छे से होना चाहिए, बॉम्बे मेड में बनना चाहिए। तो ये रीड जो बॉम्बे मेड की बनावट है उसमें कलकत्ता मेड के बनावट से बेहतर बसता है। तो देखिए, फीमेल का रीड है तो हम इसको बहुत धीरे से उसको वीडियो आगे आगे दिखा देते हैं वीडियो में रीड। और इसके अलावा आपको फ़ोटो भी चाहिए तो भी मिलेंगे आप कहीं एंगल से,
देख सकते हैं। इसमें रीड की कंडीशन बहुत बेहतर है, एक भी रीड मिक्स नहीं है, एक रीड भी घिसा हुआ नहीं है, एक रीड भी टूटा हुआ नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि फीमेल के लाइन में सुर की परीक्षा होती है, तो क्योंकि मुश्किल से ही रह जाते हैं कई सालों तक फीमेल के लाइन, नहीं तो कई सारे पेटियों में आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो देखेंगे कि आपको ये लास्ट जी का रीड है वो भी वही कंडीशन में है, बेहतर कंडीशन में है। और जिनसे हमने ख़रीदा उन्होंने बताया कि ये रीड को जब से हारमोनियम में लगा है उसके बाद कभी भी ट्यूनिंग नहीं किया हुआ है। जब शुरुआत में एक ही बार उसकी ट्यूनिंग हुई थी। और जिनको ख़रीदना है उनको हम जिनसे हमने ख़रीदा है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। ये मेल का लाइन है, ये इसको आपको शायद दिखेगा नहीं दिखेगा, हम फोटो में दिखाएंगे। इसमें भी लालजी भगवान दास मिस्त्री यही नाम है और ये मेल का लाइन है, ये भी नैरो टंग है। इस लाइन में भी एक भी रीड मिक्स नहीं है, एक भी रीड टूटा हुआ नहीं है और घिसा हुआ नहीं है। तो लास्ट जी तक ये आपने देखा, उसके बाद अभी हम देखेंगे बास का लाइन। तो बास में भी देखिए आप, ये लालजी भगवान दास मिस्त्री वालुकड़, और ये भी नैरो टंग है। इसकी भी कंडीशन बहुत बेहतरीन है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग से है, और आप सभी को पता तो है कि दुनिया का जो अर्थशास्त्र का नियम है, दुनिया में जो चीज़ अलग होती है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि थोड़ी अलग सी चीज़ लाने की। और तीनों के तीनों लाइन ये है, तो इसके अलावा आपको फोटो भी हम भेजेंगे। और बाकी ये जो हारमोनियम थोड़ा बहुत बचता है लेकिन इसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा इसका आवाज़ सुनाएंगे, लेकिन बहुत ना के बराबर ही बजती है। साउंड क्वालिटी है, अभी तो बिल्कुल भी बजता नहीं, बस खाली हमने थोड़ा सा इसका झलक आपको दिखाया। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी को पसंद आता है, किसी को खरीदना है, तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। थैंक यू।